तो सबसे पहले थैंक यू फॉर 143 सब्सक्राइबर्स। अभी थोड़े दिन पहले मुझे याद है कुछ 90 के आसपास थे, तो 143 नए लोगों के लिए बिल्कुल हाय, मुझे पुराने लोगों के नाम याद है। तो आज का जो टॉपिक है वो मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों में से कई लोगों ने बी एस सी आई टी ले लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक के ऊपर थोड़ा बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की अपने रियलिटी में। आसपास बहुत तगड़े तगड़े टॉपिक्स आने वाले हैं मेरे पास, बहुत मतलब ऐसे सही टॉपिक्स हैं मेरे पास, कुछ 20 टॉपिक्स का लिस्ट है, उसमें से ये पहला टॉपिक है। तो उसमें से आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे इसका मैं अगर आपको ब्रीफ में बताऊँ तो वो मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें ना हमारे ब्रेन को थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा टाइम हम लोगों को खाली देना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हमें हमारे ब्रेन को थोड़ा खाली टाइम देना पड़ेगा, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मतलब अभी मेरा आप लोग यहाँ पे वॉच टाइम देख सकते हो मेरा, कुछ एक हफ्ते या एक महीने पहले मेरा मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम था वो इतना था, हफ्ते दिन का 6-7 आवर्स। तो मैंने एक चीज़ बात ऑब्जर्व किया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो क्या था कि हमारे हमको ना हमारे ब्रेन को थोड़ा फ्री टाइम देना पड़ता था कि हम लोग ये एक्सप्लोर कर सके कि हमें कोई चीज़ अच्छी क्या लगती है। तो जैसे मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि मज़ा पता नहीं मज़ा आता है मेरे को, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे ये बात कब पता चली मैं कि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, जब क्योंकि जब मुझे कोविड हुआ था, जैसे कि मैंने पिछले एक्सपीरियंस में मुझे बताया, जब मुझे कोरोना हुआ था तब मैं अकेले ऐसे घर पर पड़ा हुआ था, मैंने मोबाइल ज़्यादा यूज़ करा था, क्योंकि अलग ही मैं अलग ही फॉर्म में था या अलग ही माइंड के स्टेट में था। तो मुझे ऐसा लगा कि मोबाइल देख के क्या कर लूँगा ना अभी, तो मैं मोबाइल भी नहीं देख रहा था, तो ऐसे लेटा जाता था बेड पे, अभी क्या करूँ। तो जब मुझे फ्री टाइम मिला और उसके बाद जब मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ डालना स्टार्ट किया और उसके बाद जब मेरी नॉर्मल फिर से लाइफ आई, तब मेरे स्क्रीन टाइम फिर से बढ़ गया। तो तब और उस टाइम के ऊपर मैंने थोड़ा कंपेयर किया कि ये थोड़ा कुछ गलत हो रहा है अपने साथ। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी रियलिटी के ऊपर बता दो कि आप लोग इस टॉपिक के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो। तो देखो थोड़ा फ्री टाइम मिला नहीं कि हम लोग अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, देखते या नहीं देखते सच बोलो, थोड़ा लेक्चर खत्म होने के बाद ही हम लोग यूट्यूब चालू करके देख लेंगे या व्हाट्सअप देख लेंगे, इंस्टाग्राम देख लेंगे, और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते हम लोग लास्ट तक पहुंच जाते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता 1-2 घंटे कैसे चले गए। तो ये भी होता है हम लोगों के साथ। तो एक बार क्या हुआ था मेरे साथ, मैं ऐसे ही एक दिन ऐसे बैठा था, पता नहीं मेरा कुछ लेक्चर खत्म हो रहा था और मैंने इंस्टा ओपन कर लिया था, तभी मैंने मेरे मोबाइल मेरा पुराना मोबाइल था और उसके अंदर ना कोई ऐसा इंस्टाग्राम को टाइमर वगैरह नहीं था। तो मैं ऐसे स्क्रॉल करते जा रहा था, स्क्रॉल करते जा रहा था, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, और 2 घंटे बाद ना मेरे अंदर एक अजीब अजीब ऐसी फीलिंग्स आ रही थी, क्या अभी जल्दी से कुछ अच्छा दे दो, जैसे अलग ही खुजली मचती अंदर से, अजीब वाली खुजली आती है ना, वो एक ऐसा मतलब कुछ अच्छा दिख रहा है तो वो भी देखने का मन नहीं करता, कुछ बुरा दिख रहा है तो हम लोग नीचे भी स्वाइप कर रहे हैं, तो मतलब एक अजीब खुजली आ रही थी। तो देखो मैंने एक बात को नोटिस किया कि सबसे पहले ये सब यूज करके दिमाग का तो भाजीपाला होता ही है, अजीब अजीब से फीलिंग्स आते हैं जिसका हमारे पास कुछ रीजन भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है अपने साथ, तो वो सब भी एक साइड हो गया। और हम लोग अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स देखते रहते, जैसे मुझे याद है एक या 2 महीने पहले या उससे भी पहले, जब मैं मेरे को थोड़ा भी फ्री टाइम मिलता था ना तो मैं यूट्यूब ऑन करके देख लेता था कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे जो रिकमेंडेशन में आ रहा है या फिर कुछ अच्छा खासा देख रहा हूँ या फिर सर्च करके। तो देखो मैंने एक बात ऑब्जर्व किया, मतलब मैंने एक बात और ऑब्जर्व किया लोगों के अंदर, मतलब मैं कुछ मेरे गेस्ट के पास, मतलब मैं नानी के पास रहने गया था, तो वहाँ पर एक सीन हो गया था तो वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब फटाफट ऐसे 2 सेकंड भी नहीं लगा एक आदमी को ऐसा मोबाइल लेके देखने में अमेजोन फ्लाइट देगा कुछ ऐसा कुछ, उसके पास खाली 1 या 2 मिनट का टाइम था, उसने क्या किया उस टाइम के अंदर एक वेब सीरीज खोला और वेब सीरीज का उसने एपिसोड देखना कंटिन्यू कर दिया जो कि वो शायद पहले से ही देख रहा था। तो मुझे ऐसा क्या लगा कि अगर वो 2 मिनट मोबाइल ना लेता और ये देखता कि उसने यहाँ पे क्या घन करके रखी है, तो शायद उसको पता चल जाता कि उसकी गलती है जो यहाँ पर हुआ है। तो मोबाइल हम लोगों को एक रियल वर्ल्ड से एक बहुत सही एस्केप दे देता है कि यार मतलब हमने जो भी ऐसा कांड करके रखे हुआ जिंदगी के अंदर, अगर हम मोबाइल लेके किसी के व्लॉग्स देख लेंगे तो उसके लाइफ में चले जाएंगे, यहाँ पे पता ही नहीं खुद के लाइफ में क्या तल जाए पीछे, यहाँ पे अजीब आपकी लगी पड़ी है पीछे से। तो मैं ये बोल रहा था कि वो लोग रियल वर्ल्ड से भागने की कोशिश करते हैं, जितना रियल वर्ल्ड से भागने की कोशिश करोगे ना उतना वहाँ पर एक एडवर्टाइजिंग की दुनिया है, मार्केटिंग के ऐसे लोग हैं पर एक्सपर्ट बैठे हुए कि आप लोगों को वो जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपको कैसे वो लोगों को एक ऐसे एस्केप दे देना और क्या कौन सी चीज़ दिखानी है। जैसे एक बार मैंने नोटिस किया, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को कुछ 5 मिनट का काम था, एक जन का DM आया, तो मैंने DM चेक करने गया था बंदे का कि उसको प्रॉब्लम क्या था। उसका DM देखते देखते मैं ऐसे सर्च के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि मैं रील्स देखता नहीं, तो मैं ऊपर क्लिक किया सर्च के पास, और सर्च के पास क्लिक करने के बाद ना मैं थोड़ा एक चीज़ देखा कि हाँ ये कोट अच्छा है, तो यहाँ पे मैंने वो कोट के ऊपर क्लिक किया और जैसे जैसे नीचे जा रहा था ना कोट के कोट आते जा रहे थे, वो तो सेम रिलेटेड। तो मुझे पता चला कि यार ये लोगों के पास तो बहुत सही ट्रैप है मेरे को यहाँ पे बिछाने के लिए। और उस टाइम पे मेरे को कुछ वीडियो शूट करना था और वो वीडियो शूट ही नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि मैंने सारा टाइम इंस्टाग्राम पे बर्बाद कर दिया, कुछ 2 घंटे चले गए थे मेरे वो एक DM के चक्कर में। तो मैंने इंस्टाग्राम को 30 मिनट्स का टाइमर लगा के रख दिया अभी, तो खाली मैं DM चेक करता हूँ लोगों के, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगी तो इंस्टाग्राम में मुझे DM करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि फ्री टाइम के बाद एकदम आप दे कैसे सकते हो फ्री टाइम। देखो सबसे पहले अगर आप लोग अपना मोबाइल साइड में रखेंगे ना, आपके अंदर ऐसा
चुल मचेगा मोबाइल देखने का कि आप पूछ नहीं सकते। जैसे मेरे अंदर कुछ 6 से 7 महीने पहले या 1 साल पहले जब मैं मोबाइल छोड़ने की कोशिश कर रहा था, मतलब स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे से नहीं हो रहा है। मतलब 5 से 10 मिनट में 1 या 2 घंटा ट्राई करता था, तब मुझे पता चला कि मैंने कुछ कुछ गलतियां कि आप अपना स्क्रीन टाइम ऐसे रिड्यूस कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताता हूँ उसके ऊपर। तो आप लोग क्या कर सकते हो पता है क्या, आप लोग ऐसे कोई हैबिट्स ऐसे चेंज नहीं होती, एक बात को याद रखना। जैसे आपको अभी आपको समझो कॉलेज से आने के बाद आपको रील्स देखने की आदत है, या फिर यूट्यूब के ऊपर आपके सब्सक्राइबर्स ने क्या अपलोड वीडियो अपलोड किया वो देखने की आदत है, तो सबसे पहले एक बात समझ लो कोई भी आपकी जो हैबिट है वो पूरी तरह से चेंज नहीं होगी, उसको पूरी तरह से आपको खत्म ही नहीं कर सकते आपको जिस तरह से। जैसे मैंने एक बात ऑब्जर्व किया, जिस दिन मैं वो का मोबाइल छोड़ता हूँ और मैंने समझो मैंने इसको रखा है कि मैं आई बुक्स पे जाके बुक रीड करूँगा, एक कोई भी एक टॉपिक के ऊपर 1 या 2 पेज हो जाए तब मैं बुक रीड कर लूँ। जिस दिन मैं मेरा लैपटॉप को हाथ नहीं लगाऊंगा ना, मतलब मेरा बुक्स में लैपटॉप में रीड करता हूँ क्योंकि मेरे पास किंडल नहीं है, तो मैंने सोचा कि अगर उसमें किया हम लोग ने ऐड वहाँ पर जो भी हमने बुक मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं काम करता हूँ मैं फिर से अपने ओल्ड पैटर्न में चला जाता हूँ जो कि मैं 1 या 2 साल पहले था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी हैबिट्स कभी खत्म नहीं होगी, वो है वैसी ही रहेगी, आपको बस उसको एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। और जैसे आपने वो अल्टरनेटिव को छोड़ा या आपका सबकॉन्शियस माइंड ने उसके ऊपर ध्यान अपने कॉन्शियसली उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो आपके सबकॉन्शियस एक्टिविटी जो आप पहले 1 या 2 साल पहले करते थे वो अपने आप रिड्यूस अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगी आपकी लाइफ में, और आप फिर से वही जो अभी शायद 1 या 2 साल बाद कोई और टिकटॉक आएगा तो आप वो देखते रहोगे, जैसे अभी इंस्टाग्राम जैसे टिकटॉक बंद है कोई बात नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मोबाइल को दूर हटो, मतलब अगर किसी से आपका झगड़ा हो गया तो आप अभी आप मोबाइल लेके बैठ गए ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी कोई गलती थी नहीं, सब सामने वाले की गलती थी। लेकिन अगर आप मोबाइल लोगे नहीं उस टाइम पे तो आपको शायद इंट्रोस्पेक्ट करने में काम आएगा कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे और आपने क्या घान करके आए वहाँ पे। मोबाइल एक सही एस्केप दे देते हैं और एक पूरी वर्ल्ड है आपको मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग फ्री टाइम नहीं लोगे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ फ्री टाइम लो, प्लीज़ मोबाइल से थोड़ा दूर हटो, क्योंकि अगर आप फ्री टाइम नहीं लोगे ना आप आपके पैशन को फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपने पैशन, मतलब पैशन क्या होता है यार, मतलब पैशन होता है कि आपको कोई चीज़ करने को अच्छा लगता है वो, मतलब आप उसमें कितना भी टाइम दे सकते हो ना। जैसे आपको एक जॉब है वो 6-7 घंटे करने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप सेम यूट्यूब की वीडियोस 6-7 घंटे आराम से बना लोगे, क्योंकि एग्जाम्पल की दे रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है यूट्यूब के वीडियोस बनाना, जो भी आपको अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, आप 6-7 घंटे बैठ कर ड्राइंग मार लोगे लेकिन 6-7 बैठ के कंप्यूटर पे कोड नहीं कर पाओगे। आपको जो करना, आप 6-7 जाके पहाड़ चढ़ के आ जाओगे, 6-7 घंटे आपको ड्राइव करने को घंटा लगेगा, क्योंकि आपको ड्राइव करने में बोलते हैं ट्रैकिंग करने में मजा आता है, तो पैशन वो होता है। अगर आपने फ्री टाइम नहीं लिया ना तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है, और आपको मज़ा फिर आप लोगों के लिए कोई और डिसाइड करेगा, जो कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन हो कहाँ पर हो। एक एडवर्टाइजिंग की, मतलब मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, जो कि आपके सजेशन से एल्गोरिदम्स आपको डिसाइड करके देते हैं कि आप, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हो, क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, आपका कुछ अच्छा हो रहा है इससे, आपको कुछ नया सीखने मिल रहा है, कुछ नहीं। उनको सिर्फ इतनी पड़ी कि उनको खुद को बेचना है आपको, कि आपको ये दिखाना है कि आपको ये मोबाइल की बहुत अच्छी ज़रूरत है और आप ये मोबाइल खरीदो, क्योंकि आपके हाथ में ऑलरेडी एक पुराना मोबाइल है तो आपको उससे अच्छा ही दिखाएंगे वो मोबाइल एल्गोरिथम के अंदर। कभी देखा है कि आपके हाथ में आईफोन या आपको नोकिया का एडवर्टाइज दिखा रहे हैं, या फिर आपको कोई MI का मोबाइल का नहीं ना, आपको कुछ मैकबुक या दिखाएंगे ना एडवर्टाइज वगैरह। तो यही बता रहा था कि अगर आपने खुद के लिए पैशन फाइंड नहीं किया या फिर आपने खुद के लिए फ्री टाइम नहीं लिया ना, तो एक अलग दुनिया है जो आपको मैनिपुलेट करके आपको बता देगी कि ठीक है तेरे को, तू खुद नहीं डिसाइड कर रहा तेरे लिए तो हम लोग डिसाइड कर देंगे ये तू कर, फिर वो लोग आपका एक अच्छी तरह से ब्रेन वॉश कर देंगे आपका एकदम सही मजबूत तरीके से, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ब्रेन वॉश हुआ है करके, तो ऐसे तरीके से आपका ब्रेन वॉश कर देंगे और फिर आप वही करोगे जो वो चाहते हैं, ना कि वो करोगे जो आपको आप खुद चाहते हो। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ अभी फ्री टाइम लो, क्योंकि अभी ना हम लोगों का एक ऐसा एज है जो आपको, मुझे खुद को नहीं पता था, मुझे अभी भी नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे पहले भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, मैं ऐसे मोबाइल देखते रहता था। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ्री टाइम नहीं लोगे ना आपके तरीके से, तो कोई और लोग होंगे, कोई और आपकी तरह से डिसाइड करके ले लेंगे कि आपको क्या करना है लाइफ के अंदर, आपको क्या, आपको इंजीनियर बनना सही लगेगा तेरे लिए, तू बन जा। आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने कभी खुद के अंदर देखा ही नहीं, आपने फ्री टाइम लिया नहीं ना, हर वक्त कुछ ना कुछ ब्रेन के अंदर इनपुट देते जा रहे थे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, यूट्यूब के अच्छे खासे वीडियोस देख लिया, किसका ब्लॉग देख लिया, किसका मोटिवेशन लेक्चर देख लिया, हाँ मैं आज सब करके रहूंगा, एग्जाम फोड़ के रहूंगा, तो आपने वो देखा, खाली ब्रेन के अंदर इनपुट जा रहे थे, आपने कभी देखा नहीं कि आउटपुट आ रहा क्या है ब्रेन में से। मैं आप लोगों को फ्री टाइम लेने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक बार देखो कि आपके अंदर से आउटपुट क्या आ रहा है। जो अभी तक हमने अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भोड़ के रखी है, अंदर गेमिंग की वीडियोस देख रहे हो तो आपको गेमर बनना है, आपको अगर मेरे जैसी वीडियोस देख रहे हो तो आपको सीखना है यूट्यूब के ऊपर, या फिर आपको किसी की हेल्प करनी है, तो जिससे वीडियोज आप खाली इनपुट जा रहा है। अभी मैं आप लोगों को फ्री टाइम लेने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग चेक करो कि आपके अंदर से आ क्या रहा है बाहर, जो भी आपको बाहर आना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ होगा ना जो आपके अंदर से बाहर आएगा।
जैसे अगर आपने अभी नहीं ट्राई किया ना, तो शायद अभी थोड़े साल बाद आप एक जॉब लो लोगे, जॉब लेने के बाद आप शायद खुश नहीं रहोगे वो जॉब के साथ। और तब अभी जब आप कभी बाहर घूमने चले गए, जब आपका शायद मोबाइल आपके पास ना हो, या फिर कभी ऐसा टाइम आ गया कि आपको मोबाइल आपको काम में इतने बिजी हो गए कि आपको मोबाइल घर पर रह गया और आप एक दो दिन के लिए बाहर जा रहे हो, तो उस टाइम पर आपको लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ ये सब करके। मुझे नहीं पता मैंने अपने थॉट्स आपके सामने किस लिए रखे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो लेंथी भी हो रहा है। तो समझ में आया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि शॉर्ट में समराइज कर लूँ, तो प्लीज़ फ्री टाइम लो और ये देखो कि आपको करना क्या है, ठीक है। अगर आपको जो करना है वो आपके अंदर से आ जाता है, मतलब आप कुछ नहीं करोगे ना, जैसे मुझे बचपन से वायरिंग के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं फिलहाल आर्डिनो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि उसमें वायरिंग का ए टू जेड, मुझे मतलब मैं चीज़ों को खोल देता था बचपन में, तो मैंने थोड़े साल मैंने एक भी चीज़ को खोली नहीं क्योंकि मैं वीडियोज़ देखने में या पबजी खेलने में बिजी था। मैं भी पहले आप जिन लोगों के जैसा एडिक्ट था यार, मैं आप लोगों के जैसा ही अभी भी हूँ, बस थोड़ा सा कुछ अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे को नहीं पता मैंने सही से किया कि नहीं, अपने थॉट्स एक साथ रखे कि नहीं। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, बाय।